अब जैसे हम कंडक्टर को टुवर्ड्स राइट मूव करवाते हैं तो वेलोसिटी समझे हमने इसको टुवर्ड्स राइट यानी हमने इसको इधर को धकेला पुश किया मूव करवाया तो इसके ऊपर एक जब इसको इसको इधर को मूव करवाएंगे तो इसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज होगी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है यानी ये कंडक्टर की डायरेक्शन है रॉड की डायरेक्शन है। अब जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करती है कंडक्टर के ऊपर वो इसके इक्वल है Fm = IL / sin α। अब ये डायरेक्शन कैसे मालूम करें हम मैग्नेटिक फोर्स की वो हम मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल जो है हम कैसे ये हमारे पास है जी डायरेक्शन कंडक्टर की लेंथ। अब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज इसको हम अंदर को कर्लिंग फिगर्स को अंदर को कर करेंगे और हमारी जो थंब है वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। अब बाय राइट हैंड रूल डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स की वो ऑपोजिट है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर के। ये देखें अब वेलोसिटी जो है वो उधर को है लेकिन डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। अब जब भी हम कंडक्टर को टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसको अपोज करेगी और लेंज़ लॉ यही हमें बताता है कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस अपने कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है और वेलोसिटी हम इसको लेके उधर जाएंगे लेकिन वो इधर को मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो जो कि इसको इधर को वापस ले आएगी। हेंस लिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास कंफर्म हो गया कंक्लूजन निकल आया कि ये जो लेंज़ लॉ है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बुक वालों ने किया है जो कि अज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट है और अज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया है हमें कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन को इधर एंटी क्लॉकवाइज ही तो हम क्लॉकवाइज कर दें फिर क्या लेंज लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अब यही इसमें बताया है कि अगर हम इसी कंडक्टर को टुवर्ड्स राइट मूव करवाएं लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज कर दें पहले एंटी क्लॉकवाइज थी यानी इस तरह थी और अब जो है वो हमने इस तरह कर दी यानी क्लॉकवाइज कर दी है डायरेक्शन जो है करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट कर दी है। अब फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स हर एक एक्सपेरिमेंट में एक्ट करेगी जैसे इधर अपोज कर रही है उसको और उधर जो है जिस डायरेक्शन के अंदर हमने कंडक्टर को मूव करवाया है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर उसी डायरेक्शन के अंदर जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से दोनों डायरेक्शन सेम होंगी इक्वल होंगी एक ही डायरेक्शन शो करेंगी जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर वी व्हेन कंडक्टर मूव टुवर्ड्स राइट। जब हम कंडक्टर को मूव करवाएंगे राइट की तरफ फिर क्या होगा वेलोसिटी एंड एफएमएम इंक्रीजेस यानी अगर हमने ये कंडक्टर है अगर हम इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक हमारी हमने इसको धकेला भी इधर को है यानी वेलोसिटी भी इसकी इधर को है और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी इधर को है क्यों क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस दफा हमने क्लॉकवाइज रखी है तो जिसकी वजह से ये भी इधर को जाएगा और इधर को जाएगा जिसकी वजह से दोनों चीजें वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाएगी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ी जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसमें ये बताया है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के वेलोसिटी जितना बढ़ी जाएगी मैग्नेटिक फोर्स उतना बढ़ी जाएगी लेकिन इधर इस तरह नहीं था इधर मैग्नेटिक फोर्स जो है Fm वो ऑपोजिट यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी के यानी अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम से कम होती जाएगी इधर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यानी कंडक्टर कभी भी रुकेगा नहीं एक दफा जब भी हमने इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवा दिया मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी रुकेगा नहीं जिसकी वजह से ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम एक भी कंडक्टर को मूव करवा दें तो वो चलता ही चलता जाए जिसकी वजह से ये जो लॉ है एक्ट करेगा यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्ट करेगा एज ए सेल्फ परपेटुएटिंग सिस्टम यानी खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम एक्ट करना शुरू कर देगा और ये वॉयलेंस है खिलाफ वर्जी है
किसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, हैज दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बताता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिपेंड नहीं करता, सिर्फ यही जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्यों, क्योंकि टेस्ला हमेशा ये बताता है कि कोई भी चीज जब प्रोड्यूस होती है यूज करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा अपने अपने कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुए, लेकिन इसके अंदर जो हम वो वेलोसिटी बढ़ाई जा रही है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में बढ़ी जा रही है और ये कभी भी ना नहीं रुकेगा और ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ये था आज का लेक्चर, लेंस लॉ जो इम्पोर्टेंट लॉ था चैप्टर का वो हमारा खत्म हुआ, अब अगले लेक्चर के अंदर हम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।